हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सत्यम क्रिएशन। तो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके? मेरा नाम सत्यम है और आज की वीडियो होने वाली है कुछ कार्स और बाइक्स के ट्रांजिशंस के ऊपर, जिन्हें मैंने अपने मोबाइल में शूट किया है, तो आप स्क्रीन पे उन्हें देख सकते हैं। तो इन वीडियो को हम कैपकट में एडिट करेंगे और एक स्मूथ ट्रांजिशन बनाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों क्लिप को इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सेकंड क्लिप है जो हमें उसे फ्रीज कर लेना है, क्योंकि हमें एक फ्रीज पार्ट चाहिए हमें अपनी सेकंड क्लिप का। ओके, ऑलराइट, तो हो चुका है ये। अब आप देख सकते हैं आपने जो फ्रीज़ किया है तो एक छोटा सा पोर्शन बन के आ गया है, तो वो एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो उसे हम डिलीट कर लेंगे क्योंकि हमें वो चाहिए ही नहीं। हमें एक फ्रीज पार्ट मिल गया है ऑलरेडी, तो हम उसे डिलीट कर लेंगे। ऑलराइट, इतना काम होने के बाद करना क्या है आपको, जो फ्रीज पार्ट है आपका, उसके साथ आपको करना क्या है, उसे ओवरले में लेके जाना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओवरले का, जिससे आप उस पार्ट को ओवरले में भेज सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद ये ओवरले में आ जाएगा। अब इससे करेंगे क्या, इसे जो फर्स्ट पार्ट है हमारी, जो फर्स्ट क्लिप है, उसके नीचे लेके चले जाएंगे और एकदम लास्ट में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है। अब करना क्या है, देखो ये जो हमारी स्क्रीन है, एक बार चला के देख लेते हैं कि हमारा परफेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि जो हमारी जो सेकंड क्लिप है और ओवरले है, वो मैच करनी चाहिए। कभी हम जो फ्रीज बनाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, क्योंकि दूसरा पार्ट भी बना था, आपने देखा था वहाँ पे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हम गलत पार्ट लेते हैं, ठीक है। और इसकी लेंथ वगैरह आप अपनी क्लिप के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। सो अगर आपका इतना काम हो गया है, तो अब आपको करना क्या है, देखो जो आपकी ओवरले है उसे कटआउट पे जाना है एंड कस्टमाइज टूल पे जाना है। एंड कस्टमाइज टूल में आपको एक क्विक ब्रश का नाम करके मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ड्रॉ करना है अपने जो आपकी बाइक है या कार होगी, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद आप देखो ये खुद ही वो कर लेगा, ट्रैक कर लेता है, और ट्रैक करने के बाद आपका एक PNG बन के तैयार हो गया है यहाँ पे। इसके बाद हमारा काम क्या रहेगा ना, कि एक लास्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे और एक शुरुआत में की फ्रेम ऐड करेंगे, ठीक है। उस की फ्रेम को ऐड करने के बाद जो हमारी बाइक है ना, उस बाइक को अपसाइड लेके जाएंगे। अगर आपका भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जाता है ना, जैसे मेरा जा रहा है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका एक सॉल्यूशन है। आप एक बार यहीं पे जहाँ पे ऑप्शन आता है, यहाँ पे स्क्रॉल कीजिए और एक बेसिस का ऑप्शन मिलता है, तो जो वाई एक्सिस है उसे माइनस में लेके जाइए। जितना माइनस में लेके जाइए, उतना माइनस में लेके जाइए कि जब तक ये आपका हाइट ना हो जाए। जब ये हमारा काम हो जाए कंप्लीट, मतलब हम पूरा माइनस में ले जाए, उसके बाद आपको करना क्या है, एक बार वीडियो को चला के देखेंगे कि हम, हाँ भाई कैसी लग रही है, ठीक है। एक बार स्लोली स्लोली चलाएंगे, हाँ बढ़िया लग रही है, ठीक है। एंड अब हमारा काम होगा ग्राफ्स का काम, ठीक है। तो ग्राफ इसलिए होता है स्लो और फास्ट करने के लिए, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा ये प्रोसेस लेता है, तो अब ग्राफ मिल चुका है आपको। देखो अब आपको एक ग्राफ मिलेगा, इसमें इजिन 3, उसे आप चूज़ कर लेना। तो फिर हमारा ग्राफ्स का काम तो ख़त्म हो गया। फिर आपको करना क्या है, जो अब बारी आती है इफ़ेक्ट्स की, ठीक है। इफ़ेक्ट्स में जाने का, और फ्लैश ब्लर नाम करके एक इफेक्ट है, उसे हमें ढूंढना है, ठीक है। या सर्च कर लो, सर्च कर लो कि तो थोड़ा ईजी होगा। तो फ्लैश ब्लर जब मिल जाएगा तो आप इसे चूज़ कर ले। चूज़ करने के बाद आपको करना क्या है, इसे आपको जो आपने ओवरले पे लगाई थी ना, जो सेकंड क्लिप, जो फर्स्ट क्लिप के नीचे ओवरले थी, उसमें लगा लेनी है, ठीक है। और थोड़ा पहले अपने जो ये इफ़ेक्ट है, इसे थोड़ा एडजस्ट कर लो अपने ओवरले के हिसाब से, ठीक है। दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक रहेगा फिर, ठीक है। थोड़ी सी लेंथ इसकी ढंग से आपको ध्यान से एडजस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको करना क्या है, देखो ये करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाके आप थोड़ा सा बीच में आओ, ऑब्जेक्ट में जाके देखो आपको बाइक दिख रही है ना, जो हमारी ये ओवरले है, तो इसमें आ गई है, ठीक है। इसे हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे सेटिंग्स कुछ है, तो आप मेरे को फॉलो कर लेना, ये सेटिंग्स रखोगे तो ये परफेक्ट सेटिंग्स है, तो आपके बहुत अच्छे काम आएगी, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारी ट्रांजिशन कितनी बढ़िया चल रही है। अब हमारी जो सेकेंड क्लिप है, उसमें हमें एक एनिमेशन लगानी है। इस एनिमेशन का थोड़ा नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, तो आप पढ़ लो एक बार और सर्च करके लगा लेना, ठीक है। और लेंथ आपको रखनी है, वो आप क्लिप के हिसाब से रख सकते हो, और जितनी क्लिप, जितनी लेंथ बढ़ाओगे उतनी स्मूथ चलेगा। स्मूथ के ही ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ इसमें, ठीक है। चलो अब उसके बाद करना क्या है, देखो अब इस
लेयर की ना जो सेकंड लेयर है इसकी कॉपी बनाएंगे। अब कॉपी क्यों बनानी है मैं आपको अभी बताता हूँ। इसकी कॉपी बनाएंगे और इसे चूज़ करेंगे और कटआउट में जाएंगे, एंड कटआउट में जाने के बाद कस्टमाइज में जाएंगे एंड क्यूक ब्रश से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे, थोड़ा ड्रॉ करेंगे एंड ये खुद ही ऑटो ट्रैक कर लेगा हमारी बाइक को और उसके बाद ये कटआउट कर देगा। डन हो गया हमारा, ठीक है। अब इसे ओवरले में लेके जाएंगे, ठीक है, ओवरले में लेके जाएंगे, थोड़ा ड्रैग करेंगे, थोड़ा ध्यान से करेंगे, हाँ हो गया डन। अब हमारी बारी है कुछ ओवरले ऐड करने की। ये ओवरले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा या पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड हटाएंगे स्क्रीन करके, ओके ठीक है, ये सबसे बेस्ट रहे। एंड इसे बाइक के टायर्स में लगाएंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप अपने हिसाब से, एडजस्ट करना अगर बाइक है तो ठीक है नहीं तो। और इसका एक कॉपी बना लेंगे, कॉपी बनाने के बाद उसे भी इसके नीचे लेके जाएंगे, नीचे लेके जाने के बाद इसे थोड़ा आगे ले जाएंगे, जो हमारी सेकंड स्मोक लेयर है उसे थोड़ा आगे लेके जाएंगे जिससे स्मोक दोनों टायर में लगे, ठीक है, और एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है हो गया है। अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको करना क्या है, जो ये बाइक है ना हमने जिसे जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया था, सुनो साफ सीधी बात बता देता हूँ कि ये दो जो लेयर है स्मोक वाली इनको पीछे करना है और जो हमारी जो पीएनजी वाली है उसे आगे करना है जिससे हमारे स्मोक बैकग्राउंड में लगे और थोड़ा कूल लगे, ठीक है, बस इतना ही करना है आपको और थोड़ा अरेंज करके आप एडिट कर लो, ठीक है। अब देखते जाओ, अभी ये जो हमारी ये पीएनजी वाली लेयर है इसे हम कर लेंगे, देखते हैं थर्ड पे करते हैं, हाँ हो गया, थर्ड पे करने के बाद हो गया है हमारा, हाँ डन हो गया। अभी देखो स्मोक थोड़े आपको दिख नहीं रहे हैं तो आप उसे थोड़ा ड्रैग करके थोड़ा बड़ा कर लो। चलो ये काम होने के बाद अब क्या करते हैं, एक बार वीडियो चला के देखते हैं, आपको फुल स्क्रीन में आपको मैं वीडियो चला के दिखाता हूँ कि वीडियो हमारा रिजल्ट कैसा आया है, हमने इतनी मेहनत की है तो कुछ तो अच्छा होगा ही। इसे स्टॉप कर देते हैं, तो इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं पहले तो, ओके डन। सो गाइस जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है उनके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यार एक प्रॉब्लम है कि आप जब यहाँ पे वीडियो यहाँ पे जब आपका पीएनजी नीचे आएगा ना तो यहाँ पे उसका ब्लर की वजह से ना जो हमारा इफेक्ट की वजह से उसमें वो थोड़ा दिखने लगा है, मतलब पहले ही दिखने लग जाता है, तो यहाँ पे से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें की फ्रेम में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बीट है ना बीट को थोड़ा आगे लेके जाके और उसे थोड़ा स्ट्रेच करेंगे हम, ठीक है, जिससे कि वो दिखेगा नहीं। देखो अब दिखना बंद हो चुका है, ठीक है डन, ठीक है। अब फाइनल लुक देखते हैं,